गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी, आज का सत्संग संतों की वाणी। जैसे जल में कमल अलेपा, मुर्गाई ने साड़े, सुरत शब्द व सागर तरिए, नानक नाम बखाड़े। जिस तरह कमल का फूल पानी में पैदा होता है पर पानी से बाहर रहता है, उसी प्रकार उसकी जड़ पानी के अंदर होती है। जिस प्रकार एक जल मुर्गी होती है जो पानी के अंदर हमेशा रहती है, तैरती रहती है, तो पानी के अंदर रहते हुए भी सूखे परों से उड़ जाती है। इसी तरह हमें भी इस दुनिया में रहते हुए अंतर में अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भवसागर से पार होना है। मक्खी बैठी शहद पर लिए पंख लपटा, उड़ने की चेष्टा करे लालच बुरी बला। एक मक्खी जो शहद के किनारे पर बैठती है वह शहद का स्वाद भी लेती है और सही सलामत उड़ भी जाती है। लेकिन अगर शहद के बीच में बैठ जाए तो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती। इसका अर्थ ये है कि इस मायावी दुनिया में हम रहते हुए भी माया से अलग रहना चाहिए। माया में लिपट कर नहीं रहना चाहिए। वैसे संसार में सारे काज माया से ही शुरू होते हैं और इस माया के बिना जीवन यापन भी नहीं होता है। इसलिए माया के साथ साथ रहकर भी हमें उस परमात्मा कुल मालिक की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए। दुनिया में हमें इस प्रकार रहना है जिस प्रकार वो स्वामी जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं कि ज्यों तेरिया पियर बसे सुरत रहे पियमाय, ऐसे जग जन में रहे हर को भूले ना। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपनी वाणी में कि जिस प्रकार एक विवाहिता लड़की अपने माता पिता के घर जाती है और वह खाती है, पीती है, अपने माँ बाप की सेवा करती है और घर का काम काज भी करती है, लेकिन अपने पति की हमेशा चर्चा करती रहती है। वो कभी अपनी सहेलियों से कहती है कि वो तो इतने आलसी हैं कि घर सामने उनके सामान रखा रहेगा लेकिन उठा नहीं सकते। अपनी माँ से चर्चा कही कि वो तो सब कुछ पास में रखा होता है लेकिन वो हुक्म जरूर चलाते। कहने का भाव ये है कि सब कुछ अपने माँ बाप के यहाँ खा रही है, पी रही है, सो रही है, सब काम कर रही है दुनिया के जब अपने मायके में आती है, लेकिन अपनी पति की तरफ उसका ख्याल रहता है और पति की चर्चा करती रहती है। इसी प्रकार हमें भी इस दुनिया में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी, दुनिया के धंधे करते हुए भी, लेकिन हमारा ख्याल कहाँ, अपने पति की तरह। हमारा पति कौन है? परमात्मा। पति परमेश्वर परमात्मा होता है। आत्मा का पति है परमात्मा, तो उस परमात्मा की तरफ हमारा ख्याल होना चाहिए। इसलिए सच्चे महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि अपने घर बार में रहते हुए, हक हलाल की कमाई करते हुए मालिक की भक्ति करो। हमें ऐसे महात्मा की खोज करके उनसे शब्द या नाम का भेद लेना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूजा कराई। मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर
हम कभी भी मुक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं लग सकता। हजरत ईसा भी ये शोर इशारा करते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। परम पिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं, जैसे कि गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया। एक और स्थान पर हजरत ईसा फरमाते हैं कि अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। मैंने जिस शब्द से तुम्हें जोड़ा है उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुद मुक्तहर है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका बना सकता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं है। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। यहाँ पलटू साहब कहते हैं अपनी वाणी में कि घर में हेलवा गप्फा लीजे मार, गप्फा लीजे मार मानस तन जात सिराना, भजली जो भगवान काल सर पे नियराना। मीठा है हर नाम जियन को नाए भरोसा, खाए लो भर पेट आगे से दात परोसा। लीजे लहा लूट दिना द्वे संतन पासा, अजहू चेत गंवार जाते खाली स्वासा। पलटू अटकन कीजिए कूचे सांझ सकार, घर में हेलवा गप्फा लीजिए मार। इसका भाव ये है कि घर में हेलवा गप्फा लीजिए मार। इसका मतलब है ये कि जो हम अभी जवानी में बैठे हुए, जवानी को कहा है घर में हेलवा का मतलब नाम का गप्फा, परमात्मा के नाम का गप्फा को बताया है कि इस शरीर में जब तक हम बैठे हुए हैं तब तक परमात्मा का हमें भक्ति करना चाहिए, परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। अरे भाई, हम किसी को याद नहीं करेंगे तो हमें कौन याद करेगा? जितना हम परमात्मा को याद रखेंगे तो वो भी हमें याद रखेगा। भाई, हमारा भी एक जीव नीचे बैठा, हमारा इन नाम का स्मरण कर रहा है, वो हमको याद करता है, दिनों रात याद करता। तो वो कहा गप्फा लीजिए मार मानस तन जात सरान, कि नाम का गप्फा भाई मार ले, क्योंकि ये शरीर दिन प्रतिदिन ठंडे का मतलब ये बुढ़ापा की तरफ जा रहा है। हमारी उम्र जैसे जैसे बीतती है हम सोचते कि अभी हमारी उम्र कहाँ है परमात्मा भजन करने की, अभी तो हमारी गृहस्थी की उम्र है। लेकिन वो जीव की चार अवस्था होती है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो बाल्यावस्था तो हमारी ऐसे ही चली जाती है, बचपन हमारा ऐसे ही बीत जाता। जब हमारी किशोर अवस्था आती है तो उसका मुँह उठ जाता, उधर को ही चला जाता। किशोर का मतलब होता है किसी किशोर को चला जाए, उसका उसी ध्यान उसी तरफ चला जाता। तरुण अवस्था वो होती है जवानी, जवानी के जर्रे में किसी को समझता ही नहीं, वो अपनी मस्तानी में चलता है। जैसे मस्त हाथी झूमता हुआ चलता है, इसी प्रकार जवानी मस्त हाथी की तरह चलता रहता है जवानी। उसे यही नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं, क्या कर्म शुभ है क्या अशुभ है। वो अंधा होकर के अंधाधुंध करता ही रहता है। तो इसलिए हमें जो है कहा है
कि भज लीजिए भगवान काल सिर पर निहराना, तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम ले ले, काल तेरे सिर पे बैठा है। जहाँ सांसों की पूंजी का भंडार खत्म हो जाएगा वहीं पर तुम्हारे शिकार कर लेगा। कौन कर लेगा? काल कर लेगा। तो इसलिए हमें जो है इस मनुष्य का शरीर मिला है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। लाभ यही है कि दुनिया के कामकाज करते हुए भी हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। ठीक है, तो कबीर साहब ने तो यहाँ कहा भी है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। करे भाई, जो हमारे को कोई संकट आते हैं, बीमारी आती, और कुछ आते, तो हम फिर न सोते और दिनों रात ही हे राम करते हैं। तो हमारे ऊपर जब पहाड़ टूट जाता है तब तो हम उसको याद करते हैं। जब हमारे सुख की सांसें आती हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, कहते हैं फिर तो राम का नाम बिसरे हुए नहीं ले रहे। तो इसलिए वो आगे फिर कह रहे हैं, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीरता दास से कौन से न फरियाद। वो कह रहे हैं कि जब सुख में था तब तो तुमने याद नहीं किया, और जब दुख पड़ा तब मुझे याद कर रहे हो, तो अब तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए प्यारे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो परमात्मा का भजन करना चाहिए।